हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, आपके पालतू जानवर भी ठीक ठाक होंगे। गाइस देखिए, मैं लॉफ्ट के पास आ चुका हूँ। अभी कबूतर खोलना है और कबूतर खोलने का वक्त हो चुका है। गाइस देखिए, कबूतर अभी बंद है, खोलने जा रहा हूँ मैं। गाइस अभी कबूतर खुलते ही उड़ान भरेंगे। कैसे हो रहे हैं देखिए गाइस, बाहर आने के लिए ये देखिए। चलो खोलते हैं कबूतर। ये गाइस देखिए, ऑलरेडी कबूतर एक साइड फूल चुके हैं। गाइस देखिए, अरे बाप रे गाइस, बहुत दिनों से तो मैं लगकर दो तीन दिन से कोशिश करते करते कर ले कबूतर कैसे भी करके पकड़ लिया, लेकिन गाइस आज देखिए कैसे दिखाऊं कबूतर। देखिए अंकल के काफी ऊपर उड़ रहे हैं, ये देखिए। नजर भी नहीं आ रहे हैं गाइस, ये देखिए कितना ऊपर है वो देखिए। वो गाइस बिल्कुल नजर नहीं है, बहुत ऊपर है। मैं सोच रहा हूँ कबूतर उड़ाऊं या न उड़ाऊं, काफी ऊपर है। कबूतर बाजी करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। काफी ऊपर उनके उड़ रहे हैं, अंकल ने अभी उड़ाए हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ जूम करके, ओ बहुत ऊपर हैं गाइस। वॉइस ये देखिए, जूम किया हूँ, ये देखिए बहुत ऊपर जा चुके हैं। सोचते हैं मैं भी कबूतर लड़ानी है अभी कबूतरों को। ये देखिए गाइस कितने ऊपर उड़ रहे हैं, देखते हैं उड़ाते हैं कभी, अगर लड़े तो फिर हो सकता है अंकल के कबूतर आ जाएं। गाइस दिखते नहीं हैं, उड़ाते हैं हमारे कबूतरों को। गाइस मेरे वीडियो में बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, अगला वीडियो आप आसानी से देख सकें। गाइस अंकल के तो कबूतर बहुत ऊपर उड़ रहे हैं, सोचता हूँ मैं भी थोड़ा कबूतर बाजी करूँ। गाइस मैंने अभी कबूतर उड़ाए हैं, मेरे दो तीन कबूतर उड़ चुके हैं, ये उड़ रहे हैं। अंकल तो और दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए हैं गाइस, बहुत ऊपर चले गए हैं, बिल्कुल जूम करने से भी पता नहीं चलता है। गाइस हवा काफी तेज चल रही है, वो देखो ये उड़ रहे हैं। कहाँ गए रे, ये देखिए गाइस ये छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। और मेरे कबूतर अभी ये मैंने अभी लड़ाई है, देखिए देखिए गाइस में लड़ा दिया है कबूतरों को, जो मेरे उड़ने वाले कबूतर हैं सारे उड़ रहे हैं, देखते हैं। आओ गाइस इनके अभी आओ आओ, बुलाते हैं आओ आओ।
आओ 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 आओ। गाइस ये देखिए सारे चंग में बैठ गए हैं। आओ 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 आ 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 आओ 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 आओ। गाइस ये देखिए सब उड़ गए लेकिन अंकल के काफी दूर निकल गए आए नहीं। वही देखिए मैं दिखाता हूँ। वो एक उड़ रहा है देखिए काफी काफी ऊपर उड़ रहा है और दो उनके उधर दो तीन उड़ रहे हैं। गाइस नहीं हुआ मेरे से भी उतर गए हैं। ये देखिए ये लाल पटियाला और वो ब्लैक और जो मेरा उड़ने वाला कबूतर है वो ये देखिए कैसे ये सारे के सारे उतर गए हैं। आओ 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 गाइस काफी तेज धूप पड़ रही है बहुत दिक्कत हो रहा है कबूतरों को जो ऊपर लॉफ्ट है उससे परेशानी बहुत हो रही है क्योंकि बहुत काफी तेज गर्मी की वजह से कबूतर बहुत सारे जो बेबी पिजन्स हैं वो अक्सर बीमार होते हैं। गाइस जिनके मुंह में जख्म हो जाता है किसी के पैर में जख्म हो जाता है तो इसलिए कबूतर को बिल्कुल सेफ रखना जरूरी है। इसलिए कबूतर को दो से तीन दफा पानी पिलाते रहें। इसलिए गाइस जिससे कबूतर को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो गाइस आज का वीडियो आपको उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इतने में अपना वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।